नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर रखा उपलब्धियों का लेखा जोखा। कहा, हमने जो कहा सो किया। सरकार ने 100 दिनों के लक्ष्य जो तय किए थे, उन लक्ष्यों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसने सरकार की दिशा को कर देगी स्पष्ट की अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में बढ़ रही है आगे। वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। पशु तस्कर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। जुलाई को जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल पर बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व हेलीकॉप्टर से किया गया रिहर्सल। 7 जुलाई को किया जाएगा फुल अभ्यास। बरसात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरती जा रही है सावधानी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, बरसात से निपटने के लिए मटेरियल का किया गया है भंडारण, वाटर लेवल की जा रही है निगरानी। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिजली से बचने के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दामिनी ऐप। बरसात के समय ऐप 15 मिनट पहले बताएगा किस क्षेत्र में गिरेगी बिजली। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। और भोजपुरी फिल्म दाग एक गोलांछन का मुहूर्त सदर सांसद रवि किशन के हाथों हुआ संपन्न। कहा, फिल्मों की शूटिंग का हब बनता जा रहा है गोरखपुर। सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा, यहां की आबो हवा व सुंदरता की मुफीद है फिल्मकार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों बाद प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनने के बाद सफलतापूर्वक 100 दिन के कार्यकाल का संचालन किया। हमने जो कहा सो किया, यह प्रदेश में अलग अलग सेक्टर के लिए की गई कार्ययोजना का एक छोटा सा उदाहरण है। यह सरकार की दिशा को स्पष्ट कर देगी कि अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बातें उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया और वीडियो भी दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण, किसान कल्याण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, अवस्थापना, निवेश, रोजगार और स्वरोजगार, विद्युत ग्राम विकास, जल जीवन मिशन एवं ग्रामीण जलापूर्ति और वन एवं पर्यावरण सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दूसरा कार्यकाल हमें जनता ने दिया है, इसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने का देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी सरकार ने 10 सेक्टर चुनकर व्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने की ओर आगे बढ़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमने अगले 5 वर्ष की जो कार्ययोजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के लक्ष्य जो तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल आदि मौजूद थे।
सीएम योगी ने विपक्ष का बिना नाम लिए हमला किया कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी, लेकिन हमने 5 साल में कानून व्यवस्था को बेहतर किया। कानून का राज्य स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। सीएम योगी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। यह महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त, अराजकता से मुक्त कराते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन अनुरूप विकास के पथ की ओर अग्रसर होते हुए सुशासन की ओर ले जाएगी। जो जनता का जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश के प्रति जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मैं इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं। और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाए और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वैल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें, चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश
जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया, विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं। और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने। आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रखकर के 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। बांसगांव पुलिस ने वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को सहगौरा बंधा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कमलेश यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी बेदौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा राजमन पुत्र दुलारे यादव निवासी बेदौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव का एक वृद्ध व्यक्ति गायब हो गया। वृद्ध के अपहरण का फायदा उठाते हुए अभियुक्तों ने चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन अभी तक वृद्ध व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिरौती मांगने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, कौड़ीराम चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे, कांस्टेबल अनिल यादव, देवेश वर्मा, वाल्मीकि प्रसाद गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 2-4 सेकंड। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 तारीख को एक व्यक्ति के, जो बुजुर्ग हैं लगभग 75-80 साल के, गुमशुदा होने की खबर उनके परिजनों ने दी। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज की और पुलिस परिजन मिल करके उन्हें ढूंढ रहे थे। 24 और 25 की ढूंढ के खोज के बाद 26 तारीख की मॉर्निंग में पड़ोसी के दरवाजे पर एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा है, जो बुड्ढा हमारे पास सुरक्षित है, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लीजिए, पुलिस को मत बताइए अन्यथा अंजाम बुरे होंगे। पुलिस के लिए अहम चुनौती का विषय हो गया। इस मामले में तत्काल परंपरागत मुखबिरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, CCTV कैमरे, सबसे प्रयास शुरू हुआ तो ये तथ्य आया कि गांव के ही 2 लोग इस घटना में
शामिल हो सकते हैं। इनकी हरकतें कुछ ऐसी थी जो लोगों ने नोटिस किया था, और इसी बीच जिन लोगों पर भी डाउट था, ऐसे 5-7 लोगों से वादी के परिवार में भी बात की गई थी, तो उन्होंने भी इन पे डाउट जताया था। तो 5-7 लोगों से राइटिंग लिखवाई गई। उस राइटिंग में एक व्यक्ति की राइटिंग प्रथम दृष्टया जो एक्सपर्ट भी नहीं है उनको भी लगा कि ये तो बिल्कुल मेल खा रही है। राइटिंग मिलान पे काम करने वाले एक आध दो विशेषज्ञों से दिखवाया गया तो उन्होंने भी बताया कि ये 80% मेल खा रही है। इस आधार पर जब राजमन नाम के उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू हुई तो उसने घटना के बारे में गांव के ही एक फौजी जो छुट्टी पर आए थे, कमलेश, उनके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मुझसे ये लिखवाया था। और कहां से कागज लिया गया, कहां लिखा गया, कहां फोटो स्टेट कराया गया, लिफाफा कहां बना, कैसे डाला गया, वो सारी चीजें उसने बताई। कमलेश पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में ये चीजें आ गई, पेपर खरीदने जिस दुकान पे गए थे, फोटो स्टेट कराने जहां गए थे, तो उन्होंने भी स्वीकार किया ये घटना उन्होंने कराई है, की है, ये लेख उन्होंने लिखवाया है उससे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसमें लेटर फोटो स्टेट था, इसकी मूल कॉपी कहाँ है। कड़ाई से पूछताछ करने पे दोनों ने बताया जिस बगीचे में इसको लिखा था उन्होंने, फोटो स्टेट कराने के बाद वहीं गए और वहीं फिर लिफाफा बनाया गोद से, कागज में लिफाफे पे लिखा गया और वहीं मूल फाड़ के फेंक दिया। पुलिस ने वो मूल कागज के टुकड़े भी बरामद कर लिए जो लिखे गए थे और उनको पेस्ट करने के बाद तो फिर पूरी इमारत लगभग तैयार हो गई। लेकिन इन दोनों ने अभी बुड्ढा है कहां इस बारे में बहुत प्रयास के बाद भी कुछ मुंह नहीं खोला। और पहले तो इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि ये काम वादी पक्ष ने ही कराया है हमसे, लेकिन जब वादी को आमने सामने कर दिया गया तब मुकर गए और इन्होंने कहा कि चूंकि बुजुर्ग गायब थे और इस परिवार के लोग बैंकॉक में रहते हैं तो हमने सोचा कि गायब हैं, इसी बहाने हो सकता है कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर बुजुर्ग कहीं कहीं से आ ही जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा जिन्होंने अपहरण किया था उन्होंने छोड़ा है या बुजुर्ग कहां से। बहरहाल चूंकि हमारे जो विधिक बाध्यताएं हैं उसमें इतनी पूछताछ रिकवरी सब करने के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वृद्ध की तलाश अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस तलाश को भी पूरा करेंगे और इस मामले में जो और लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा। सर इसमें क्या ये एंगल है कि अपहरण हुआ है कि वो बुजुर्ग चले गए? देखिए बुजुर्ग 75-80 साल के बुजुर्ग के अपहरण का कोई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक वो हमें मिले नहीं। वो कुछ काम सोखा वाला भी करते थे बट लोग उनके घर पे ही ज्यादातर आते थे, लिमिटेड लोग थे जिनके यहाँ उनका आना जाना हो जाता था। इसी आधार पे जिस दिन रात में वो गायब हुए, क्योंकि उनका नाती 23/24 की रात में, नाती यानी पौत्र, नाती बल्कि पौत्र कहूँ मैं, पौत्र 12:30 बजे रात तक मौजूद था और 3:30 बजे उनकी जब पत्नी गई है खेत पे जहाँ वो धान की पौध रखा रहे थे वो नहीं मिले, तो घर वाले भी 7-8-9 बजे तक इंतजार ही करते रहे कि कहीं गए होंगे आ जाए। उसके बाद जब नहीं आए तब इनमें हलचल मची है, अजय को खबर दी गई गोरखपुर से वो भी आया है, फिर वो पुलिस को सूचना दिया है, फिर पुलिस और परिवार के लोग मिल करके तब से अनवरत प्रयासरत है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन जब तक वो मिल न जाए। राजघाट पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया,
जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को शहीद मुबारक खां मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरेंद्र भारती पुत्र रमाकांत भारती निवासी दुधई थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर, दूसरा लाल बाबू भारती पुत्र सुरेश भारती निवासी दुधई थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, उप निरीक्षक सुशील चौरसिया, राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीपक कुमार, मंगलदीप, अशोक सिंह, फतेह बहादुर गौतम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में पशु तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए पिछले महीने भर में 3 से ज्यादा बड़ी गैंगों का पर्दाफाश किया जा चुका है, जिसमें 10 से ज्यादा पशु तस्कर जेल भेजे जा चुके हैं। इसी क्रम में कल रात को थाना राजघाट द्वारा एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोग बिल्कुल इससे भी डर नहीं लगता उनको कि थाने की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो एवं पुलिस वालों को कुचल दिया जाए। इसी तरीके का एक वाकया जिसमें थाना राजघाट द्वारा पशु तस्करों की गाड़ी को रोका जा रहा था, उसी समय उन्होंने जवाबी फायरिंग की एवं एक गाड़ी को उन्होंने थाने की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया है। इसी में पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दो पशु तस्करों को दबोच लिया, उनके पास से एक तमंचा, एक चलाया हुआ खोखा एवं दो जिंदा खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। उसके साथ में दो एंड्रॉयड फोन भी जब्त किए गए हैं। इनके खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट एवं 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई को रामगढ़ताल में बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व सोमवार को हेलीकॉप्टर से रिहर्सल किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है, हमेशा कोई न कोई आशंका रहती है कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको एनडीआरएफ व हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैसे बचाया जाए, उसका मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा 7 जुलाई को फुल मॉक ड्रिल होगा, उस दिन रियल में किसी व्यक्ति को डूबते हुए दिखाया जाएगा और डूबते हुए बचाया जाएगा। इस अवसर पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित एयरफोर्स के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जैकेट लगा लो, सभी जैकेट लगा लो।
एक मिनट से लगे रहिए। अभी डंडा बताना है, 2 मिनट। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और जिले में जो आपदा है उसका प्रभारी हूं, आपदा विभाग का प्रभारी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जनपद में लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है और उसमें कहीं न कहीं इस बात की आशंका रहती है कि कहीं बाढ़ में कोई विपरीत परिस्थिति हो गई जिसमें किसी को बचाने की बात हुई। तो हम लोगों ने आज ये अपना एक मॉक ड्रिल की तैयारी की है। आगामी 7 जुलाई को फुल मॉक ड्रिल होगा, वास्तव में किसी को डूबते हुए दिखाया जाएगा, डूबते हुए फिर उसको बचाया जाएगा, उसी की आज तैयारी की गई, जिसमें एयरफोर्स, एनडीआरएफ और हमारा डीडीएमए और हमारे अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर रखा उपलब्धियों का लेखा जोखा। कहा, हमने जो कहा सो किया। सरकार ने 100 दिनों के लक्ष्य जो तय किए थे, उन लक्ष्यों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसने सरकार की दिशा को कर देगी स्पष्ट की अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में बढ़ रही है आगे। वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। पशु तस्कर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। जुलाई को जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल पर बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व हेलीकॉप्टर से किया गया रिहर्सल। 7 जुलाई को किया जाएगा फुल अभ्यास। बरसात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरती जा रही है सावधानी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, बरसात से निपटने के लिए मटेरियल का किया गया है भंडारण, वाटर लेवल की जा रही है निगरानी। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
बिजली से बचने के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दामिनी ऐप। बरसात के समय ऐप 15 मिनट पहले बताएगा किस क्षेत्र में गिरेगी बिजली। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। और भोजपुरी फिल्म दाग एक गोलांचन का मुहूर्त सदर सांसद रवि किशन के हाथों हुआ संपन्न। कहा, फिल्मों की शूटिंग का हब बनता जा रहा है गोरखपुर। सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा, यहां की आबो हवा व सुंदरता की मुफीद है फिल्मकार। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरसात को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरसात को ध्यान में रखते हुए बोल्डर, क्वेरी डस्ट, सीमेंट के खाली बैग, सर्विस गर्डर, वुडन स्लीपर, सीसी क्रिप, टेंट तथा तारपोलीन को पिछले बरसात को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में भंडारण ऐसे स्थान पर किया गया है जहां से सुविधापूर्वक सामानों को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। उन्होंने कहा, तीनों मंडलों में सामग्री को रखने के लिए जगह को चिन्हित किया गया है। लखनऊ मंडल के नकहा जंगल में बिजी ट्रस्ट व बोल्डर को रखा गया है, साथ ही कुछ अन्य सामग्री को अंडरग्राउंड करके रखा गया है। इसके अलावा कुछ जगहों को चिन्हित करके रखा गया है। बारिश होने पर उन जगहों पर पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में पानी ज्यादा भरा हुआ है या कटान हो रही है, तो ऐसे जगहों को कटान से रोकने के लिए बोल्डर को लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगाया गया है, जिसका मैसेज संबंधित विभाग को जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वाटर लेवल कितना बढ़ा है। उन्होंने कहा, बारिश के मौसम में ट्रेन से पूरी तरह से चले, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, हर वर्ष की भांति बारिश के मौसम में कई सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे कि
हम लोग मटेरियल स्टैक करके रखते हैं अलग अलग स्थानों पर, कुछ मटेरियल ऑन व्हील रखे जाते हैं जिनको इमरजेंसी की स्थिति में जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे तुरंत चलाया जा सके, और कुछ मटेरियल ऑन ग्राउंड स्टैक करके रखे जाते हैं। तीनों मंडलों में ऐसे जगह आइडेंटिफाइड हैं जहाँ मटेरियल रखे जाते हैं। अगर लखनऊ मंडल की बात करें तो नकहा जंगल में जो बीजी वैगन्स हैं, ब्रॉडगेज वैगन्स हैं, उसमें पेरी डस्ट और बोल्डर रखा जाता है, साथ ही साथ कुछ मटेरियल ऑन ग्राउंड स्टेक करके रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले वर्षों का हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम लोग कुछ लोकेशंस को चिन्हित करके रखते हैं जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं। बारिश होने पर उन जगहों की पेट्रोलिंग की जाती है जिससे अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना प्रकाश में आती है या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ क्रॉस लेवल गड़बड़ हो रहा है या कहीं कटान हो रही है, तो ऐसे लोकेशंस को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो ब्रिजेज हैं महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर, उनमें जलस्तर की निगरानी के लिए वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं जिनके माध्यम से SMS जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके पास जाता है, जिससे कि उनको डेली का डेली ये पता चलता है कि जलस्तर कितना है अभी नदी में। तो ये सभी तैयारियां रेलवे की हुई है, और बारिश के मौसम में ट्रेनें निर्बाध रूप से चलें इसके लिए रेलवे पूरी तरह से सजग और तैयार है। शाहपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को प्लेटफॉर्म नंबर 9 के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जमील अहमद कुरैसी पुत्र मोहम्मद अमीन कुरैसी निवासी नेहरू नगर वार्ड नंबर 11 थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्र, उप निरीक्षक संतोष सिंह, कांस्टेबल अजय प्रताप चौधरी शामिल रहे। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि बारिश के समय में बिजली से बचने के लिए दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि दामिनी ऐप आपको 15 मिनट पहले किसी क्षेत्र में बिजली गिरेगी बता देगा। जब भी बरसात हो रही हो आप ऐप को खोलकर देखेंगे तो किस एरिया में वज्रपात होगा मालूम हो जाएगा, इसलिए जब भी ऐप में बिजली गिरने का खतरा हो तो आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप ना तो किसी पेड़ के नीचे जाएं, ना ही किसी खेत में जाएं, बल्कि किसी सुरक्षित स्थान पर ही रहें। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से रिपोर्ट के आधार पर 4 लाख की सहायता दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। प्रतिदिन न्यूज़पेपर में वज्रपात से बचने का न्यूज़ निकलता रहता है। एक दामिनी ऐप है जो विभिन्न हमने सर्कुलेट किया हुआ है एक पत्र के माध्यम से, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जाएं और दामिनी को डाउनलोड कर लें। जब भी बरसात का समय हो, बरसात आने वाली हो, आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आसपास में कितनी एरिया में बिजली गिरने का खतरा है आपको मालूम हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि आप इसमें दुस्साहस ना करें, जब भी उसमें ऐसा दिखाई पड़े कि बिजली गिरने का खतरा है तो आप सुरक्षित स्थान पर ही रहें, खेत में ना जाएं। यदि जाएं भी तो वहां पर जब भी बिजली गिरने का खतरा हो तो जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके अनुसार अपना बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, क्या रात का? अभी परसों दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है वज्रपात से। राज्य सरकार उनको अहेतुक सहायता देती है, ₹4 लाख का रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और 1-2 दिन में उनको सहायता उनके खाते में पहुँच जाएगी। भोजपुरी फिल्मों की अग्रणी निर्माण कंपनियों में एक रेडू विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांक्षण का मुहूर्त आज गोरखनाथ के पास में सदर सांसद व भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी भी कई फिल्मों के PRO रहे हैं, इनको आगे बढ़ते देख काफ़ी प्रसन्नता होती है। रवि किशन ने कहा, धीरे धीरे हमारा गोरखपुर फिल्मों की शूटिंग के हब बनते जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। यहाँ की आबो हवा व सुंदरता फिल्मकारों को लुभा रही है, यह अच्छी बात है। यहाँ नए नए रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। कलाकारों को काम के लिए मुंबई या अन्य जगह नहीं जाना पड़ रहा है। काफ़ी खुशी की बात है कि सुपरस्टार आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे यहाँ शूटिंग कर रहे हैं।
फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल, निर्देशक प्रेमांशु सिंह व लेखक मनोज कुशवाहा हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका भोजपुरी की सबसे बड़ी अभिनेत्री व लोगों की चहेती आम्रपाली दुबे निभा रही हैं। फिल्म में रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत, रक्षा गुप्ता, अमित शुक्ला, रंभा शाहनी, निशा तिवारी, बबलू पंडित, सत्यप्रकाश और ज्योति कलस मुख्य भूमिका में हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद व भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन व सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा, कैमरे के साथ फोटो हो जाए, मीडिया फोटो लेके। केसरी हिमांशु जी कहाँ इधर आओ, हम रूपाली आओ, रितेश और निशांत कहाँ है ना, निशांत थोड़ा निशांत यहाँ आ रहा हूँ, राइट में आओ, किसको कहते हैं, ठीक है ठीक है। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नकारणाय सतीजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलि विघ्नहर्ता गणेश भगवान। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गो शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुभ्याभ्यो भयन्न सुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वशान्तिर्भवतु। ओम नमो देवे महादेव शिवाय नमः नमः प्रकृत भद्राय नेता प्रणस्ताम गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक मिनट इसको करके रेणु विजय फिल्म एंटरटेनमेंट कृत दाग एगो लाचन। हम सांसद बने 70 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, ये महादेव की कृपा, अनगिनत रोजगार यहाँ पर हुआ। भोजपुरी सिनेमा को मैं धन्यवाद दूंगा इंडस्ट्री से। आज मेरे छोटे भाई निशांत ने और प्रियांशु जी ने एक फिल्म यहाँ पर लेके आए एज ए डायरेक्टर वाइज वो एज ए प्रोड्यूसर। और हम भोजपुरी की जो सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे इज अ सुपरस्टार, ये लोग आए हैं बहुत अद्भुत स्क्रिप्ट लेके। ऐसी स्क्रिप्ट बहुत प्रेमांशु जी जो कि जाने जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट को लेके, तो इन्होंने दाग एगो लाचन एक इमोशनल सेंटिमेंटल कहानी है, बेहतर वो बता सकते हैं। पर टाइटल से मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही इंटेंस कोई स्क्रिप्ट है, नहीं तो आम्रपाली बहुत ही चूजी हैं, रितेश चूजी हैं, निशांत इतना पैसा इतना लगाते नहीं, और एक बड़े बजट की फिल्म इन्होंने यहाँ शुरू की और आज इसकी चर्चा बहुत समस्त पूर्वांचल में है कि दाग एगो लाचन एक फिल्म यहाँ पर शुरू हो रही है। और अभी जीत का सहरा बांध के आम्रपाली दुबे यहाँ पर हमारे छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी, माननीय सांसद आजमगढ़ के, जीत में इनका बहुत बड़ा ग्रीड की हड्डी थी, उसके बाद स्ट्रेट वो थकान के बाद ये शूटिंग पर आई हैं। तो मैं आपके लिए एक जोरदार ताली भी चाहता हूँ और बहुत सारी आम्रपाली दुबे जी को बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ के किला फतेह करने में इनका भी एक बहुत बड़े योद्धा की तरह योगदान रहा, तो आज ये बहुत खुशी की बात है। पूर्वांचल खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूज्य महाराज जी का क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म शुरुआत हो रही है और 70 फिल्म हो चुकी है अभी तक, तो मैं समस्त हिंदी इंडस्ट्री को भी जल्दी लाना चाहता हूँ यहाँ। एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने का जो 150 एकड़ में हमारा प्लान है, वो भी मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द मैं 150 एकड़ ज़मीन देख चुके हैं, कहीं महाराज जी बता रहे हैं, और उसको हम लोग फिल्म सिटी का रूप देंगे, जहाँ पे ये भोजपुरी का गढ़, मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर भोजपुरी का गढ़ हो, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर सारी सुविधाएँ ये सेंटर में हैं। तो गोरखपुर फिल्म सिटी हमारी इंडस्ट्री लावारिस इंडस्ट्री, हम लोग गुजरात भटकते हैं लावारिस की तरह, माँ बाप कोई नहीं, हम लोग हर जगह भटकते रहते हैं, तो एक छत मिले, वो छत गोरखपुर है और महाराज जी का विशेष कृपा है, उन्होंने तब हमको सांसद बनाया, दिनेश लाल यादव जी को बनाया, ताकि वो भोजपुरी के प्रति उनकी बहुत विशेष कृपा है।
अब वो कृपा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि लाखों बच्चे जो मुंबई भटकते हैं वो सब लोग यहीं पर काम पाएं। और दागे गुलाछन ने एक बड़ा न्यूज़ आज समस्त भारत में फैलाया कि गोरखपुर एक फिल्म सिटी का रूप धारण कर चुका है। जी मैं चाहूँगा कि आम्रपाली बेहतर बताएं, मैं सांसद होके बोलूँ ये ठीक नहीं लगता। ये एक जो रामायण से चला आ रहा है कि आप यू नो एक औरत को किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं, आपका जब मन करे आप उसके चरित्र पर शक कर सकते हैं। और यही चीज़ है जो एक औरत को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। और अभी रवि भैया बता रहे थे गोरखपुर महाराज जी का क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है, गोरखपुर मेरा घर है, तो मुझे जब भी यहाँ पे शूटिंग करने आने का मौका मिलता है। वोटर हो तुम मेरी, हाँ, तुम्हारा आधार कार्ड भी हम बनवाए हैं, भूल गए हम इनका आधार कार्ड बनवाए। तो नहीं भैया, बट अभी गोरखपुर ज्यादा घर जैसा महसूस होता है जब से आप यहाँ पे हैं, तब से ज्यादा अच्छा लगता है गोरखपुर में। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है गोरखपुर में, हमको सारे लोकेशंस परमिशन सब इजीली ग्रांट हो जाते हैं, तो हम सबको बहुत मज़ा आता है हर बार गोरखपुर में। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने तो हैं फिल्म में, अभी मैं बोल नहीं पाऊँगी गानों के बारे में ज़्यादा, आज पहला दिन है। लेकिन हम लोगों ने साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी है, हमने रितेश जी ने, डायरेक्टर सर प्रेमांशु जी ने, निशांत जी ने, और कई बार स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे ऐसा हुआ कि हम लोग सब कई पॉइंट पे इमोशनल हो गए। तो कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इंटेंस है, और आप लोगों को देखकर बहुत मजा आएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर रखा उपलब्धियों का लेखा जोखा, कहा हमने जो कहा सो किया, सरकार ने 100 दिनों के लक्ष्य जो तय किए थे उन लक्ष्यों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसने सरकार की दिशा को कर देगी स्पष्ट की अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में बढ़ रही है आगे। वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। पशु तस्कर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। जुलाई को जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल पर बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व हेलीकॉप्टर से किया गया रिहर्सल, 7 जुलाई को किया जाएगा फुल अभ्यास। बरसात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरती जा रही है सावधानी, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा बरसात से निपटने के लिए मटेरियल का किया गया है भंडारण, वाटर लेवल की जा रही है निगरानी। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिजली से बचने के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दामिनी ऐप, बरसात के समय ऐप 15 मिनट पहले बताएगा किस क्षेत्र में गिरेगी बिजली, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। और भोजपुरी फिल्म दाग एक गोलांछन का मुहूर्त सदर सांसद रवि किशन के हाथों हुआ संपन्न, कहा फिल्मों की शूटिंग का हब बनता जा रहा है गोरखपुर। सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा यहां की आबो हवा व सुंदरता की मुफीद है फिल्मकार। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।